15.3 भारत में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व। बच्चों, आज हम भारत की विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के बारे में बात करेंगे। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व भी जन सहभागिता का एक महत्वपूर्ण आधार है। इन राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के आधार पर यह समझा जा सकता है कि विभिन्न वर्गों की प्रतिनिधित्व के आधार पर इन राजनीतिक संस्थाओं में सहभागिता कितनी है। साथ ही हम यह भी जान सकते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को इन राजनीतिक संस्थाओं में समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पा रहा है या नहीं। हमारे भारतीय संविधान में शासन व्यवस्था के 3 स्तर हैं, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा तथा तृतीय स्तर है स्थानीय निकायों का, और इन सब के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इन तीनों प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में हमारे देश के सभी वर्गों के लोगों को किस प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। 15.3.1 लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करने के लिए नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। तालिका 15.2 लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी। सबसे पहले हम जानते हैं लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में। बच्चों, किसी भी चुनाव में या किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व के बारे में हम कुल उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर आकलन कर सकते हैं। जैसे यदि किसी क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या 10 है और उसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 2 है, तो हम कहेंगे कि उस क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता कम है। और यदि महिलाओं की संख्या आधे से भी अधिक है, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर महिलाओं की राजनीति में सहभागिता काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों, यदि हम अपने देश के आंकड़ों पर गौर करें तो हम देखेंगे कि 1957 में कुल महिलाओं के उम्मीदवारों का प्रतिशत 3% था, जो कि 1914 में 8% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 100 उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं तो उसमें 92 लोग पुरुष होते हैं और केवल 8 महिलाएं होती हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग चुनाव में इनकी संख्या कम या अधिक होती रहती है। इन सब बातों से देखकर क्या आपको लगता है कि लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहिए? स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। बच्चों, चलिए अब बात करते हैं स्थानीय निकायों की। हमारे देश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और इसमें महिलाओं के लिए प्रारंभ से ही 33% सीटें आरक्षित की गई हैं, और इस प्रकार महिलाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। कई राज्यों में तो ये सीटें 50% तक की गई हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों की प्रतिनिधित्व के बारे में। हमारे देश में सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों को अनुसूचित जाति तथा जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, और किसी भी स्तर के चुनाव में इन सभी वर्गों के लिए समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। जैसे कि 16वें लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई थी। इसी प्रकार राज्य की विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के चुनाव में भी इन्हें इनके जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिए जाने की व्यवस्था की गई है, और इसीलिए
यही हमारे भारत की लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है।